जाता है राइट साइड को बॉडी और छोटा भी लगता है ये पैर। पालती मार रहे हो तीन महीने के बाद और तीन महीने पहले कहाँ मार पाते थे वो हाँ। वो साढ़े तीन महीने साढ़े तीन साल हो गए उसको तो साढ़े तीन साल बाद मार पा रहे हैं हाँ। पालती चलो ठीक है तो ऑल द बेस्ट कहेंगे क्या परेशानी होती है आप बताइए ये गुल्ले में दुखता है कितना टाइम हो गया आज परेशान होते होते चार साल आज आपको क्या क्या तकलीफ होती है दिनचर्या की जैसे कि जो काम भाई कर सकता है या मैं कर सकता हूँ आपको कितनी तकलीफ होती है काम ही नहीं बिल्कुल काम नहीं कर सकता दर्द होता है दर्द होता है बाइक चलाना पालती मारना ये सब चीजें आपके लिए कैसा बन के रह गई है ये तो बंद हो गए ना सब बिल्कुल बंद हो गए लास्ट टाइम कब आप आराम से पालती मार पाए थे बिना दर्द चालीस हजार ले लिया चार महीने लिया था उसका होम्योपैथी का था वो तो आज आप नीचे भी बैठ पा रहे हो बाइक पे बैठ पा रहे हो पालती भी मार पा रहे हो और चलने में भी आपको अच्छा लगता है अच्छा लगता था। पेन जो होता था हर समय एक तकलीफ रहता था और पैर नहीं खुलता था ये सब चीजों में कैसा आराम आया एकदम अच्छा अच्छा लगता है अभी Hi friends, my name is Dr. D.P. Sharma and I am a consultant, MIS specialist surgeon. आज हमारे साथ लाखन है. लाखन आप कहाँ से आए हैं? चालीसगांव से. महाराष्ट्र से आए हैं. कितना दूर है यहाँ से? 1000 किलोमीटर. 1000 किलोमीटर है. बहुत दूर से आए हैं और बहुत टाइम से परेशान हैं. क्या परेशानी होती है आप बताइए. ये गुल्ले में दुखती है. दुखता है. कितना टाइम हो गया आज परेशान होते होते? ये चार साल हो गए. चार साल हो गए. तो चार साल कोई छोटा टाइम तो नहीं होता है. इसमें काफी परेशानी आपको रही होगी. आज जब चार साल हो गए हैं परेशानी बढ़ती जा रही है. आज आपको क्या क्या तकलीफ होती है दिनचर्या के काम में जैसे कि जो काम भाई कर सकता है या मैं कर सकता हूँ आपको कितनी तकलीफ होती है? काम ही नहीं करते. बिल्कुल काम नहीं कर सकते. दर्द होता है? दर्द होता है. बाइक चलाना पालती मारना ये सब चीजें आपके लिए कैसा बन के रह गई है? ये तो बंद हो गए ना सब. बिल्कुल बंद हो गया. लास्ट टाइम कब आप आराम से पालती मार पाए थे बिना दर्द के? बिना दर्द के वो क्या दो चार दिन महीने के बाद में मारा था मैं जब हुआ था तो. दो चार महीने जब हुआ था तब मतलब करीब तीन साल से नहीं मारा है नहीं। आराम से और जैसे बाइक पे पैर चौड़ा करके बैठना हो बिना लचक के चलना हो दर्द के बिना का लाइफ वो सब अब सोचने में नहीं आता है नहीं, कैसा नहीं। हो गया तो इतना लंबा टाइम निकल गया तो काफी ट्रीटमेंट भी आपने ट्राई करे होंगे. बहुत किया ना. बहुत ट्रीटमेंट ट्राई करे होंगे. देखिए ये वीडियो बनाने का महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो तकलीफ है ईवीएन की ये काफी कॉमन है और इसके बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है. इस चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है लोगों का और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते पर वो गलत इन्फॉर्मेशन बता के पैसा भी ले लेते हैं और पेशेंट का टाइम भी वेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो एज है हमारी 20 साल से लेके 50 साल तक ये बहुत इम्पोर्टेंट एज है.
इसमें अगर एक दो साल भी जाता है तो काफी नुकसान होता है, करियर के वजह से नुकसान होता है, फैमिली का नुकसान होता है, फैमिली परेशान होती है। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने ट्राई करी, आप भी इनके ब्रदर हैं, क्या क्या चीजें ट्राई कर चुके हैं और उसका कितना फायदा मिला आप बताइए? फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन नुकसान ही हुआ है। कितना पैसा वेस्ट हो चुका आज तक? पैसा तो ऐसे काउंट नहीं किया, अपन हो गया दो तीन चार लाख, 4 लाख रुपए के आसपास वेस्ट हो गया है, जिसमें कि ऑपरेशन हो जाता अच्छा खासा, और जो टाइम वेस्ट हुआ हमारा इतना टाइम, उसका तो कोई पैसा हम लगा ही नहीं सकते कि उसका टाइम वेस्ट हो गया। तो क्या क्या चीज, जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं होम्योपैथिक ट्राई किया हमने, आयुर्वेदिक ट्राई किया, तो वो भी किया था मैंने, वो सब किया ट्राई, क्या क्या करते हैं इसमें ये लोग? होम्योपैथिक में वो आप 2-3 महीने में कुछ नया देंगे, नया देंगे, फिर 3 महीने में बोलते अभी अच्छा लगने लगेगा, अभी अच्छा लगने लगेगा, तो दवा देते हैं और 3 महीने में और स्टैंडर्ड देते हैं, लेवल बढ़ाते हैं, सब और लेवल बढ़ाते हैं, उससे कितना फायदा होता है? फायदा ही नहीं हुआ कुछ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और दर्द होता था उससे, और दर्द बढ़ जाता था। तो कई सारे लोग जो हैं इस तरीके के चक्कर में फंस जाते हैं। एवीएन एक एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है बहुत ही साइंटिफिक बीमारी है, किसी भी कारणवश जैसे हमारे बाल में न्यूट्रिशन जाना बंद होता है तो बाल सफेद पड़ जाते हैं, इसी तरीके से अगर बॉल में अंदर ब्लड जाना बंद हो जाएगा तो बॉल सूख जाता है, उसके सूखने की वजह से आर्थराइटिस हो गई, और हमने एक्सरे में भी देखा है कि काफी ज्यादा पेन है ना? तो हम आपका अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे, नई टेक्निक से करेंगे, है ना, दोनों हम एक साथ करने का हमने प्लान बनाया है, है ना, रिपोर्ट्स आपकी अच्छी आई है, हार्ट का चेकअप भी अच्छा आया है, तो उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, पर पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट साइड में आपको तकलीफ ज्यादा है, एक्सरे के हिसाब से भी उसमें काफी खराब कोलैप्स है, पूरा बॉल जो है खत्म हो गया काफी टाइम से, जो आपको दर्द कर रहा है आगे जाने के लिए रफ हो गया है, वो सर्फेस खुरदरा हो गया है, तो मूवमेंट्स पूरा खत्म कर चुका। आप इतना दूर से आए, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? हमें तो YouTube से ही पता चला था, YouTube से पता चला, और जिनका आपने अपलोड किया उनको कॉल लगा के उनको बात किया था, कॉल लगा के, ठीक है। तो एक बार हम आपको चल के देखे आएंगे ऑपरेशन के पहले कैसा रहता है, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे 6 महीने बाद, हम सोचते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6 महीने बाद आप बिना किसी सपोर्ट के बिना पेन फ्री लाइफ जी रहे होंगे, है ना। तो एक बार चल के देखेंगे, एक बार वहां पे एग्जामिनेशन करके देखेंगे, और एक बार स्टेयर्स चढ़ के देखेंगे। इस साइड को झुक जाता है राइट साइड को बॉडी, और छोटा भी लगता है ये पैर, सपोर्ट लेते हो और फिर ऊपर आना होता, दोनों पैर को सपोर्ट लेके बैठते हो, ठीक है, ऊपर हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। अभी आप कितना बेंड कर सकते हो, मेरे को बेंड करके बताओ, घुटना दर्द होता है क्या? इससे ज्यादा नहीं जाता, नहीं, नहीं। खत्म हो गया, तो फ्लेक्शन जो है 30 डिग्री पे खत्म हो गया है, और रोटेशन बहुत दर्द है, तो दर्द बहुत ज्यादा है, पेशेंट को हम असेस भी नहीं कर रहे हैं, और ये एक्सटर्नल रोटेशन में फिक्स हो गया है, मतलब मूवमेंट खत्म ही हो गई है, और अंदर का मूवमेंट पूरा खत्म हो गया है, आप देख रहे हो पूरी बॉडी हिल रही है पेशेंट की, यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, नहीं। पूरा स्पाइन हिल जाता है ना, ये पूरा स्पाइन हिल रहा है, पूरा मूवमेंट खत्म हो चुका है। इस साइड का दिखाएंगे, इस साइड का, इससे ज्यादा बेंड होगा और इतना होगा, तो इसका मूवमेंट जो है करीब 70 डिग्री है, इधर मूवमेंट करना हो तो दर्द है, दर्द होता है क्या? अभी बताइए, दर्द हो रहा है, तो इंटरनल रोटेशन है 10 डिग्री का, पर दर्द हो रहा है, और ऐसे रखना हो तो हमें खिंचाव आता है इधर, एक्सटर्नल रोटेशन में 30 डिग्री में फिक्स हो गए हैं पैर, और कोई भी मूवमेंट नहीं बचा है। अब ये अगर सबसे बड़ी हम प्रॉब्लम की बात करें तो एवीएन में पैर पास में चिपक जाता है, तो अगर हम दूर करने की कोशिश करते हैं तो होता नहीं, होता नहीं, होता दर्द होने लगा, दर्द हो रहा है, यहाँ की तरफ दर्द हो रहा है, यही एवीएन की खास बात है, लोग बाग इसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम से समझ लेते हैं कि स्पाइन की कोई तकलीफ है, पर यहाँ पे हिप का दर्द आता है।
फ्रेंड्स हम देख रहे हैं हमारे पेशेंट जो लाखन आए हैं महाराष्ट्र से, उनका हमने बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट किया है। थोड़ा इधर फोकस करेंगे, एक चीज हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये दोनों ही डैमेज्ड हेड हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी परत है कार्टिलेज पूरा अलग हो गया था इससे, और ये जो इसकी परत है ये कार्टिलेज पूरा इससे अलग हो गया था। ये इतना ज्यादा पेशेंट को पेन कर रहा था, ये रॉ बोन डिस्टर्ब हो गई थी। और ये आप देख रहे हैं बोन ग्राफ्ट है जो हम अंदर डिफेक्ट को भरने में रखते हैं। एक्सरे में अगर हम देखें इनका पूरी तरीके से ग्रेड 4 एवियन है और आर्थराइटिस हो चुका है, राइट ज्यादा खराब है लेफ्ट से, दोनों ही साइड हमने अनसीमेंटेड सिरामिक हिप रिप्लेसमेंट किया है। तो लाखन आज 3 मंथ्स हो गए और दोनों साइड का हमने सिंगल स्टेज में किया था ऑपरेशन, मतलब बिकनी THR किया था। कितने टाइम से आपको तकलीफ हो रही थी? 3.5 साल से तकलीफ हो रही थी, और कई तरीके का आपने इलाज वगैरह भी कराया था इसके पहले। क्या क्या इलाज आपने कराया था ऑपरेशन के पहले? ऑपरेशन के पहले तो बहुत किया, वो अपना होम्योपैथी का किया था, और वो अपना ये क्या लगाती क्या मालूम कपिंग और आयुर्वेदिक वगैरह। तो कई सारे जो पेशेंट्स हैं अपने महाराष्ट्र से भी हैं और बाकी सब हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं, कई सारे पेशेंट ये वाला इलाज करा रहे हैं, और जनरली सब लोग आके हमें सब बोलते हैं कि सर वो बेवकूफ बना रहे हैं और पैसा ले ले रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है और बहुत टाइम पैसा वेस्ट हो गया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसा, क्या आपके जो फ्रेंड्स हैं सब जाना चाहिए इन लोगों को? बेवकूफ बना रहे हो तो सब बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब एक ने तो मेरे से 40,000 लेके बेवकूफ बना दिया। 40,000 ले लिया? हाँ, 3-4 महीने लिया था उसका औषधि, होम्योपैथी का था वो। तो करते क्या है ये लोग, मतलब ये नए किसी को पता भी नहीं, किसी को पता नहीं है तो उसका फायदा उठा के वो नंबर भी दूसरे का दे देते वो अच्छे लोगों का, वो एडे बनाते हो अपन को। सब पूरा टीम है बेवकूफ बनाने का इनका, बनाने का टीम। और ये सर्जरी भी अब सबको पता नहीं है कैसी सर्जरी होती है, ऐसी टेक्निक का सर्जरी होता है। तो आप इतना दूर से आए, कितना किलोमीटर पड़ता है आपको यहाँ पे? 1200 किलोमीटर होता है। तो वहाँ भी काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी काफी डॉक्टर्स हैं, क्यों आपने डिसाइड किया यहाँ पे आना और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आप आए, ऑपरेशन हुआ और आज आपके रिजल्ट मिला है आपको, 3 मंथ हुआ लगा नाम को, कैसा आपको लगा और डिसीजन आपका कैसा लगा, क्यों आपने यहाँ आने का डिसाइड किया था? हमारे यहाँ तो मैंने सभी तरफ घूम लिया था, लेकिन ये ऐसा ऑपरेशन किया नहीं, किसी ने बोला नहीं कि आप नीचे बैठ नहीं सकते, ऐसा नीचे बैठने का मना कर देते हैं। और नासिक को भी गया था ना मैं, तो वही बोल रहा था नीचे नहीं बैठने का, तुम बोल रहे अच्छा इधर बैठा थे तुम, तो नहीं बोल रहा, ओल्ड टेक्निक से करते हैं जनरली, नहीं बोल रहा था, और कट ज्यादा रहता है, मसल ज्यादा कट करता है। तो आज आप नीचे भी बैठ पा रहे हो, बाइक पे बैठ पा रहे हो, पलथी भी मार पा रहे हो, और चलने में भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मेरे को। पेन जो होता था हर समय एक तकलीफ रहता था, पैर नहीं खुलता था, ये सब चीजों में कैसा आराम आया है? एकदम अच्छा है, अच्छा लगता है अभी। तो एक बार हम आपको चला के देखेंगे अभी, और एक बार वापस से पालथी मार के देखेंगे, एक बार स्टेयर्स पे देखेंगे आपको, है ना, और एक बार जो है आज आपको पहली बार बाइक भी ड्राइव करवाएंगे, और एक बार हम मूवमेंट भी आपकी वापस से चेक करेंगे, ठीक है। तो काफी सारे पेशेंट्स हैं महाराष्ट्र में जो डरते हैं ऑपरेशन कराने से कि पता नहीं क्या हो जाएगा और डर फैलाते हैं, तो आप लोकल भाषा में उनसे बताओ कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या एक्चुअली इसमें ऐसा रिस्क है कि मर जाएगा आदमी, ऐसा भी नहीं मरता हो, तो आप आपकी भाषा में जो है आप दोनों लोग बात बताओ कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है? नहीं करत ऑपरेशन केलं पाहिजे डॉक्टरांकडे आणि चांगले रिझल्ट खूप चांगले आहे, 3 महिन्यामध्ये खूप चांगले रिझल्ट, एकदम भारी, टेंशन नाही। ओके, कंफर्टेबल हो आप अभी? पहले चीज तो हम देखते हैं कि पैर आपके खुलते नहीं थे? नहीं खुलते थे। तो अभी खुलने में कोई तकलीफ होती है? नहीं, पूरा आप खोल लेते हो दोनों पैरों को? ठीक। और बेंड करके दिखाएंगे खुद से, पूरा आप बेंड कर लेते हो, और ये मूवमेंट खत्म हो गया था आपका? खत्म हो गया, और दर्द भी करता था बहुत तेज, तो ये भी ठीक आ गया राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, ये भी आपका मूवमेंट पहले बहुत दर्द करता था, ये भी ठीक हो गया, और आप खुद से भी इसको उठा लेते हो, बहुत बढ़िया। उस साइड का इस साइड भी उठा लेते हैं, और ये जो पालथी पोजीशन वाली होती है पहले आप ये नहीं कर पाते थे, ये भी आपका पूरा नीचे जाने लगा है, और इस साइड का भी पूरा नीचे जाने लगा। तो हम पालथी मारने का एक बार ट्राई करेंगे, बहुत बड़े, इस साइड घूम जाओ, इस साइड। कितने टाइम बाद पालथी मार रहे हो? 3 महीने के बाद। और 3 महीने पहले कहाँ मार पाते थे? वो
तो साढ़े तीन साल हो गए उसको, तो 3.5 साल बाद मार पा रहे हैं ना बाल्दी। चलो ठीक है, तो ऑल द बेस्ट कहेंगे ये बात। ठीक है, दूर तरफ लेके आओ और थोड़ा सा दूर लेके आओ और बैग का सहारा लेके फिर अपन जाएंगे। हाँ, नीचे आप स्लाइड करेंगे स्लोली स्लोली, बहुत बढ़िया। तो अभी आप देख रहे हो कि आप आराम से रख पा रहे हो, तकलीफ हो रही है अभी आपको, कितना टाइम बाद हो रहा है चढ़ने में भी जरूरत पड़ती। देख रहे हैं कि लाखन जो हमारे पास आए थे, जिनको इतना ज़्यादा लिम्प था, उनके दोनों ही हिप में एवीएन थी, वो इतना दूर महाराष्ट्र से हमारे पास आए और उनका हमने सिंगल स्टेज बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट किया। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, एक ही सिटिंग में, मतलब एक ही ऑपरेशन में, एक ही बेहोशी में, एक ही दिन में दोनों हिप का रिप्लेसमेंट हो गया साथ में ही। ये पॉसिबल है सिर्फ स्पेशल बिकनी MIS टेक्निक से, जिसमें कि हम प्रॉपर अलाइनमेंट दे पाते हैं हमारे पेशेंट्स को। ऐसा करने पे पेशेंट की रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, हिप का जो पोजीशनिंग है वो बहुत एक्यूरेटली किया जाता है, ब्लड लॉस कम होता है, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे कम होती है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम होती है। हम देख रहे हैं कि पेशेंट इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में आए थे, आज वो बाइक चला रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, उकड़ू बैठ रहे हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, पालथी मार पा रहे हैं। 3 साल से ये सब बातें उनके लिए सपना बन के रह गई थी। आप देख रहे हो कि ये जो एक्सरे दिख रहा है हमें, इसमें कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है दोनों साइड के हिप में। दोनों साइड के हिप की ग्रीसिंग, जो कार्टिलेज होता है, वो घिस चुका है पूरी तरीके से और इनको हमने अनसीमेंटेड सिरामिक इम्प्लांट से बदला है। ये एक्सरे हम देख रहे हैं, एब्सोल्यूट परफेक्ट अलाइनमेंट है इनमें एक्सरे का, दोनों ही लेग की लेंथ बराबर है एंड ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी इन जस्ट 3 मंथ्स। अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और उनको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये रिकवरी और कुछ परसेंटेज आती रहेगी और उनकी लाइफ को और बेहतर बनाती जाएगी जैसे जैसे वो एक्सरसाइजेज और बढ़ते जाएंगे। तो इस ऑपरेशन में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो ओल्ड टेक्निक से होता है उसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसलिए पेशेंट्स उनको करा नहीं रहे थे। तो इस टेक्निक का एडवांटेज यही है कि ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हमने ख़त्म कर दी हैं। अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू सो मच।